आप सबका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 19 दिसंबर के ईश्वरीय वरदान की रिकॉर्डिंग। परमात्मा चाहते हैं कि हम बिल्कुल हो जाएं बेफिक्र बादशाह, और वो तब हो पाता है जब हमें पता होता है कि परमात्मा पिता या भगवान या अल्लाह जी हुआ हमारा हाथ पकड़ करके हमें लेके चल रहे हैं। अब हाथ मतलब ये फिजिकल हाथ नहीं है, ये मन बुद्धि का हाथ या मन बुद्धि रूपी हाथ, जिसमें कि हमने अपने मन और बुद्धि को कंप्लीट सरेंडर कर दिया है कि परमात्मा आप ही इसको साफ करो, मन बुद्धि को, इसको मंदिर भी कहते हैं तरीके से, और आप ही इसको गाइड करो कि करना क्या है। अब कोई अगर विघ्न आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप ही बताएं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप ही गाइड करें कि इसको हम आगे कैसे करें। और हर कार्य में अगर हमने परमात्मा के ऊपर सौंप दिया है तो हमें कोऑपरेशन भी मिलती है, लोग भी हमें सहयोग करते हैं इन चीजों में। लेकिन जहां पर मैपन है, मैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि बाकी लोग भी कोऑपरेट नहीं करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखें परमात्मा कहते हैं आज के वरदान में, परमात्मा कहते हैं, परमात्मा चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले, निश्चय बुद्धि निश्चिंत भवः। निश्चय बुद्धि हुआ पड़ा है, होके ही रहेगा, करके ही रहेंगे, और निश्चिंत भवः, वो चिंता की जरूरत ही नहीं। परमात्मा कहते हैं कि दुनिया वालों को हर कदम में चिंता है, अब क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे करेंगे, होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या है हमारे भाग्य में। और आप बच्चों के हर संकल्प में परमात्मा चिंतन है, इसलिए बेफिक्र हो कि हर चीज में चिंतन। मतलब क्या, परमात्मा होते तो क्या करते, अगर परमात्मा का ये कार्य होता तो परमात्मा कैसे कराते हैं? इसका मतलब ऑटोमेटिकली मन बुद्धि क्या होगी, एकाग्र होगी, अटेंशन में आ गई और बिल्कुल वहां पे गुण और शक्तियों को ढूंढना शुरू करा कि मुझे रिएक्ट कैसे करना है, बिहेव कैसे करना है। जैसे कि एक बच्चा होता है सोचता है कि अगर मेरे पापा होते तो क्या करते, उसी तरीके से हमें परमात्मा चिंतन करना, मेडिटेट करना, मतलब कि योग, मतलब याद करना उनको, सिंपल चीज है ना। लेकिन अगर आप सोचे मैं अकेला हूं, मुझे ही सब कुछ करना है, मैं ही करूंगा, मैं ही कमाऊंगा, मैं ही सोचूंगा, तो आपके ऊपर ये बोझ भारी बनाता है। और जहां पर बुद्धि ज्यादा सोच नहीं पाती, कर नहीं पाती, स्पेशली इस कलयुग में, तो ऑटोमेटिकली भारीपन के कारण से एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां आनी शुरू होती हैं, मन की बीमारियां। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि करावन हर करा रहा है, आप निमित्त बन करने वाले हो। कि अगर आपने सौंप दिया कि परमात्मा तन आपका, मन आपका, धन आपका, आपके ही कार्य में इस्तेमाल हो। अच्छा, ये बात भी कुछ लोग सोचते हैं कि आपके कार्य में इस्तेमाल, मतलब कि सब कुछ भगवान को ही दे दिया। नहीं, है परमात्मा का, अपने लिए ही इस्तेमाल किया, सेहत के लिए इस्तेमाल किया, खान पान के लिए इस्तेमाल किया, रहन सहन के लिए इस्तेमाल किया, घर गृहस्थ के लिए इस्तेमाल किया, और फिर परमात्मा के कार्य के लिए भी इस्तेमाल किया। लेकिन जो घर गृहस्थ और अपने लिए इस्तेमाल किया उसको भी सही तरीके से, जो खाना है वही खाया, जैसे रहना है वैसे ही अगर रहे उन लॉज के अनुसार, जैसे कि लॉ बुक होती है कि वॉशिंग मशीन चलानी कैसी है, इक्विपमेंट चलाना कैसे है, उसके अंदर एक लॉ बुक होती है, रूल बुक होती है, आपकी गाइड बुक होती है। उसी तरह से परमात्मा कहते हैं कि हर कार्य सुबह से लेकर शाम तक का गाइड बुक मैं तुम्हें देता हूँ हर दिन, क्योंकि हम ब्रह्म कुमारी से सीखते हैं हर दिन 25-30 मिनट्स का, 45 मिनट्स का हमारे पास में मुरली क्लास आती है। मुरली क्लास मतलब कि स्पिरिचुअल गाइडेंस। उसके अनुसार अगर तुम हर कर्म करते हो तो फिर मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है, अगर नहीं तो फिर अपनी बुद्धि चला रहे हो, अपने तरीके चला रहे हो, फिर फंसोगे और फिर आओगे परमात्मा आप क्या करें। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि करावन हर करा रहा है, आप निमित्त बन करने वाले हो। सर्व के सहयोग की उंगली है, इसलिए हर कार्य सहज और सफल हो रहा है। अगर मैपन है, मेरी बुद्धि, मेरा आइडिया, मेरा तरीका, तो ऑटोमेटिकली और आत्माएं आपसे खुश नहीं होंगी, संतुष्ट नहीं होंगी। लेकिन अगर आपने परमात्मा से पूछ करके वो संकल्प क्रिएट किया, वो आइडिया निकाला, तो ऑटोमेटिकली हर किसी की हाजी होगी, उसमें सहयोग मिलेगा, आपको पता चल जाएगा। फिर परमात्मा कहते हैं सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। क्यों? क्योंकि सर्व के सहयोग की उंगली है, इसलिए हर कार्य सहज और सफल हो रहा है और सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। कराने वाला करा रहा है, हमें सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है। निमित्त बन, इंस्ट्रूमेंट बन करके, कि परमात्मा तन आपका, मन आपका, और ये धन भी आपका है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो केवल कुछ समय के लिए मुसाफिर बनकर के इस धरती पर आई हूँ। आत्मा शरीर भी मैंने यहाँ पे आकर के लिया है, ये मेरा शरीर नहीं है, टेम्परेरी है, ट्रस्टी हूँ, इसको कैसे यूज करूँ आपके कार्य में,
धन जो है सब कुछ आपकी बुद्धि दी हुई, उससे कमाया है, आपके कार्य में इस्तेमाल करो और मन भी आपके कार्य में इस्तेमाल करो, लेकिन उनसे कनेक्ट होकर के, ताकि मन कहीं मलिच अपवित्र ना हो जाए। हो जाता है ना, कभी रावण शैतान यूज करता है मन को, कभी परमात्मा यूज करते हैं, तो उसको पहचानना बहुत जरूरी है। जहां अंदर सोच बहुत चल रही है, बहुत ज्यादा चिंता आ रही है, इसका मतलब रावण चला रहा है, और जहां परमात्मा की याद में आकर के एक संकल्प कर लिया दृढ़ कि नहीं ऐसे होगा ये कार्य, और आपने सोच लिया कि तन मन धन ऐसे यूज करना है परमात्मा कार्य में, ऑटोमेटिकली मन शांत हो जाएगा। ये भी पहचान है कि आप सही दिशा पर हो। फिर परमात्मा कहते हैं यही है बेफिक्र निश्चिंत स्थिति। आप क्या चाहते हैं ये बेफिक्र निश्चिंत स्थिति, तो आप भी आकर के साप्ताहिक कोर्स करें ब्रह्म कुमारी, ताकि आपका मन भी शांत हो, निश्चिंत हो। इसके साथ ओम शांति।